कोई तो बनने के बाद करवाता है काम, इन्होंने बनने से पहले ही मतलब इतने अच्छे अच्छे काम करा रखे हैं। हमारी माता और बहनों के लिए बस चला रखी है, जो सप्ताह में आने से पहले ही उन्होंने इतना काम करवा दिया कि मतलब हम लोग ये कह ही नहीं सकते कि बनने के, बहुत से ऐसे कहते हैं कि बनने के बाद कोई कुछ नहीं करवाता, तो इनको वो चीज़ नहीं है कि मैं बनूँ या ना बनूँ, इनको अपनी तरफ से बिल्कुल जी करवा नहीं रहे हैं, करवा चुके हैं। एक तरफा जीत है जी, कति मोदी मादी सब साइड हो जाएंगे जी, की बारे कांग्रेस पार्टी झंडा लहरा देगी जी सोनीपत में, राय हल्के में। आज तक एक बंदा नहीं मिला जो उनके पास आया हो और उनका काम ना हुआ हो जी। उन्होंने सभी फील्ड में काम किया है, आप अगर फार्मर्स का उठाओगे तो फार्मर्स के लिए भी काम किया है उन्होंने, बुज़ुर्गों का भी काम किया है उन्होंने, फ्री बस सेवा चलाई हुई है अपनी बहन अपनी बेटियों माताओं के लिए सबके लिए, उन्होंने फ्री फॉगिंग मशीन चलाई हुई है, ठीक है, उन्होंने आटा चक्की चलाई हुई है जो कि जो मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, तो उनके लिए चलाई हुई है। नमस्कार, मैं ज्योति सिंह इस वक्त मौजूद हूँ राय विधानसभा के बहालगढ़ गांव में, जहां पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव के जो प्रचार है वो काफ़ी दिनों से काफ़ी समय से लगातार जिन जिन प्रत्याशियों को टिकट मिला है वे लगातार चुनाव प्रचार जगह जगह जाकर कर रहे हैं और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वे किसको सपोर्ट कर रहे हैं और वे कितना ज़्यादा किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, तो यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बातचीत करेंगे। आपका नाम? दीपक जी। जी, किसको सपोर्ट कर रहे हो? हम कर रहे जी साहब आनंद तिलको जी। खास हाँ जी, सब कुछ कर रखी है जी, सुविधा पूरी कर रखी है जी, स्कूल की बस लगा रखी है, प्याऊ मनियारी लगा रखी है, जगह जगह पूरी सुविधा कर रखी है, लड़की को तीर्थ यात्रा पे घुमा रहे हैं, हर जगह की पूरी सुविधा कर रखी है जी। तो आपके हिसाब से कांग्रेस की जीत? हाँ जी, कांग्रेस की जीत है जी। आपको क्या लगता है कोई टक्कर में आएंगे? नहीं नहीं, ये इसकी जीत है जी। हाँ जी, ओके, रिपोर्ट है जी। नाम आशीष है जी। किसको सपोर्ट कर रहे हो? जय भगवानंद तिल जी को। क्या क्या सुविधाएं कर रखी है अब तक उन्होंने? जी देखो, सुविधा तो जी है जी, कोई तो बनने के बाद करवाता है काम, इन्होंने बनने से पहले ही मतलब इतने अच्छे अच्छे काम करा रखे हैं। हमारी माता और बहनों के लिए बस चला रखी है जो कि भाई कॉलेज या स्कूल जाने में उनको परेशानी ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि गांव में गर्मी का टाइम होता है, किसी घर में फ्रीज वगैरह भी नहीं होते, तो उनके लिए एक वाटर कूलर की उन्होंने एक सुविधा करवा रखी है गांव के अंदर, और उसके बाद जैसे घर घर जाके उनको आटा पिसवाने का भी काम एक चक्की चला रखी है, हर एक गांव में घर घर जाके वो आटा चक्की का। हाँ जी, सप्ताह में आने से पहले ही उन्होंने इतना काम करवा दिया कि मतलब हम लोग ये कह ही नहीं सकते कि बनने के, बहुत से ऐसे कहते हैं कि बनने के बाद कोई कुछ नहीं करवाता, तो इनको वो चीज़ नहीं है कि मैं बनूं या ना बनूं, इनको अपनी तरफ से बिल्कुल जी करवा नहीं रहे हैं, करवा चुके हैं, ठीक है, उनको ये नहीं कि बनने से के बाद ही करवाएंगे, बनने से पहले करवा रखा है और सप्ताह के साथ में है और फुल सपोर्ट है जी उनको। मुकाबले जी उनके टक्कर में कोई भी नहीं है, एक तरफा जीत है जी, कति मोदी मादी सब साइड हो जाएंगे जी, की बारे कांग्रेस पार्टी झंडा लहरा देगी जी सोनीपत में, राय हल्के में जी। जय भगवानंद तिल जी को जी। कोई वजह तो इतनी है कि गिनाई नहीं जा सकती, उन्होंने जी पानी लगा रखा है, ठंडा पानी मीठा पानी, लेडीज़ को लड़कियों को कॉलेज से फ्री ड्रॉप करते हैं सेफली, सुरक्षा नहीं थी पहले हमारे हरियाणा में, अब उनके बस फ्री चल रही है, लेडीज़ को बिल्कुल फ्री चलाते हैं उन जी बहुत ज़्यादा। कोई अभी तक ऐसा आज तक एक बंदा नहीं मिला जो उनके पास आया हो और उनका काम ना हुआ हो जी, ठीक है, जितना उनके बस में होता है ना उन्होंने उतना उससे ज़्यादा ही किया है जी, ठीक है। अभी ये आप लगा लो क्या नाम लिया कर रहे हैं, थोड़े दिन पहले की बात है, एक बुज़ुर्ग आदमी था, उनको उनके घर वालों ने निकाल दिया था, उन्होंने अपने खर्चे पे उन्हें अपने पास रखा, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत लोगों को रख रखा है जी। क्या लगता है कोई टक्कर में है इनके? नहीं जी, इनकी कोई टक्कर में नहीं है, एक तरफा मुकाबला है जी, पूरे राय हल्के में एक तरफा मुकाबला है, कोई दिक्कत नहीं। नाम नीलेश कुमार है जी। जी मैं जय भगवान आंकर जी का सपोर्ट कर रहा हूँ जी। क्यों कर रहे हो? क्योंकि सर उन्होंने काम मतलब अपने उम्मीदवार आने से पहले सर उन्होंने अपने काम किया है। अच्छा। लड़कियों के लिए फ्री सेवा बस उपलब्ध कराया जी और पानी का उपलब्ध कराया जी, तो इसलिए मैं वो अच्छा कैंडिडेट हैं तो उनको मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ जी। आपके हिसाब से वही आने चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। आपका नाम? मोहित जी। किसको सपोर्ट कर रहे हो? जी मैं पहले बीजेपी को सपोर्ट करता था, बट जब उसके बाद जब कैंडिडेट्स के लिस्ट आई तो मैंने जय भगवान का जो पीछे बैकग्राउंड चेक किया तो ही वॉज वेरी मतलब वेरी हेल्पफुल टू दी पीपल, सो मेरा तो सिर्फ एक ही है कि सभी अपना वोट जय भगवान को दें। क्या लगता है क्या क्या अब तक उन्होंने काम करवा रखे, क्यों लगता है कि उन्हें उन्होंने देखो उन्होंने सभी फील्ड में काम किया है,
आप अगर फार्मर्स का उठाओगे तो फार्मर्स के लिए भी काम किया है उन्होंने, बुज़ुर्गों का भी काम किया है उन्होंने, फ्री बस सेवा चलाई हुई है अपनी बहन अपनी बेटियों माताओं के लिए सबके लिए उन्होंने, फ्री फोगिंग मशीन चलाई हुई है ठीक है, उन्होंने आटा चक्की चलाई हुई है जो कि जो मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते ठीक है, तो उनके लिए चलाई हुई है, जो इन्होंने बिजली के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं, मीटर चलते हैं मीटर बहुत फास्ट चलते हैं उनको देखते हुए इन्होंने वो चलाए, मतलब आप ये मान के चलो कि उन्होंने प्याऊ भी लगाए हुए हैं जो कि मीठे पानी के हैं चिल्लर प्लांट, तो उसको देखते हुए मतलब इन्होंने हर सेक्टर में उन्होंने काम किया, एक किसी सेक्टर को नहीं छोड़ा उन्होंने। राजनीति तो मुझे लगता नहीं कि वो राजनीति करते हैं, वो सिर्फ कार्यनीति पे विश्वास करते हैं, उनको सिर्फ कार्यनीति आती है राजनीति नहीं आती है। आप उनके कभी भी इंटरव्यू देखना, कभी भी वो बोलेंगे तो उनको सिर्फ कोई भाषण देना नहीं आएगा, वो सिर्फ अपने जो दिल की फीलिंग्स है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो मैं इतना ये मानता हूँ कि अगर कोई बंदा बिना बने इतना काम कर रहा है तो अगर वो उसके हाथ में पावर आ जाती है तो ही कैन डू एनीथिंग, मतलब आप सोच नहीं पाओगे वो इतना कर सकता है। क्या लगता है कोई मुकाबले में है कोई टक्कर में? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई मुकाबले में है, जैसे कि हम अभी देखते हैं इनकी रैली और इनका जो जन सम्मेलन होता है तो मतलब आप रेशो मान के चलोगे तो 5:1 रेशो है जो दूसरा कैंडिडेट है मैडम कृष्णा गहलावत, तो उनकी रैली में जो भी पब्लिक उनके साथ में होती है तो वो जनरली मतलब वो आप ये कह सकते हो किराए भाड़े की होती है, बाहर की पब्लिक होती है, वो यहाँ की लोकल पब्लिक नहीं होती। और जो इनके साथ है, इनके साथ इनकी खुद के बंदे, खुद का वोट बैंक, खुद का मतलब इन दिल से जुड़े हुए हैं लोग इनके साथ, तो ही हैज़ डन हिज वर्क इन ग्राउंड ओनली। नमस्कार मैम, जय भगवानंद सिंह जी है जो हमारे खास मुख्य कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत कार्य करे हैं, बनने से पहले बहुत कार्य करे हैं और बनने के बाद कार्य, उन्होंने सरकारी बस मतलब बस चला रखी है, लड़कियों की सारी सुविधा है, जो बुज़ुर्ग है उनके लिए है, पानी के लिए टैंक लगा रखे हैं ठंडे पानी के गर्मियों में लगे थे जो, और सारी सुविधा कर रहे हैं, बनने से पहले उन्होंने सारे कार्य करवा रखे हैं टाइम से पहले, और बनने के बाद वो सारे कार्य टाइम से पहले ही करवाएंगे, सबकी सुविधा होगी गांव में जो भी होगा, और पिल्सन भी बनेगी जैसे ही बनेगी। और ये है, हम बीजेपी के बहुत ही ज़्यादा मतलब वो थे पास थे कि हम बीजेपी को बहुत चाहते थे, और जब से भी जय भगवानंद सिंह जी उठे हैं तो हम उन्हें चाहते हैं क्योंकि उनको वोट टिकट मिली है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पक्का बनेंगे, ये नहीं है कि बीजेपी नहीं बनेंगे, लेकिन बनेंगे 100% बनेंगे वो, ये कोई टक्कर में नहीं, 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 जय भगवानंद सिंह जी के टक्कर में कोई भी नहीं है।